पूरे देश भर में करवा चौथ का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। साल में आता है एक बार, हस्बैंड के लिए रखा जाता है ये फास्ट। सो लंबी उम्र की उनकी कामना के लिए ये फास्ट रखा जाता है। सदियों से ये चली आ रही है प्रथा जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। करवा चौथ पर अपने पति की लंबी आयु की कामना को लेकर व्रत रखने वाली सुहागिनों का इंतजार खत्म हो गया है। जी हाँ, कई शहरों में चांद नजर आ गया है। जिन शहरों में चांद दिखाई दे गया वहाँ पर सुहागिन महिलाएं चांद को अर्घ दे करके अपना व्रत खोल रही हैं। सुबह हम 4 बजे उठते हैं, नहा धोकर पहले पाठ पूजा करते हैं, उसके बाद सरगी लगाते हैं, फल फ्रूट और उसमें सुहाग का सामान होता है उसको अर्घ दे के फिर हम खाते हैं, सरगी खाते हैं। सरगी में फ्रूट होते हैं, फेनिया होती है और मीठी मट्ठी होती है। फिर सारा दिन हमने कुछ भी नहीं खाना। 4 बजे शाम को कथा होती है। कथा करने के बाद अगर कोई बड़ा या सास ससुर परमिशन दे दे तो पानी तो पीना नहीं, चाय या दूध पी ले सकते हैं। फिर अर्घ देने के बाद चंद्रमा आएगा, अर्घ देने के बाद पति का चेहरा देख के फिर उनके हाथों से हम व्रत खोलते हैं। चंद्रदीप को अर्घ देना और उनकी आराधना करना इस व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। करवा चौथ के दिन सुबह से ही महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही अपने पति के हाथों से पानी पीकर यह व्रत पूरा करती हैं। करवा चौथ के व्रत की रात चांद को महिलाएं छल्ली में से चांद को देखती हैं और फिर उसी छल्ली में से देखा जाता है पति का चेहरा। मान्यताओं के अनुसार चंद्रदीप को आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है और इनकी पूजा से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और पति की आयु भी लंबी होती है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि करवा चौथ के दिन चंद्रमा की आराधना करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और लंबी आयु की प्राप्ति होती है।